तो गाइस आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं दिखाया था जंगली कबूतर के पास जो अंडा दिया था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर से बच्चा मैं घर लेके गया था और फिर से मैं अंडा दिया इसके घोंसले में, तो आप लोगों में दिखाया नहीं था, ठीक है। तो इस बार भी बच्चा बड़ा हो गया तो आप लोगों में जाके दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो इसका जो इस बार बच्चा निकल गया, देखो ये जंगली कबूतर भाग गया, ठीक है। और आज भी इसका बच्चा को मैं घर लेके जाऊँगा, तो इसका बच्चा का कलर आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो गाइस कोने पे बैठा है चुपके, ठीक है। दोनों ही बच्चा देखो शानदार क्वालिटी का बच्चा, ये देखो गाइस एक लाल आया और एक जाग दुबाज टाइप का आया गाइस, दोनों में चोटियाल में आया, एक ये खुशखबरी है, ठीक है गाइस। पर्सनली मुझे चोटियाल बहुत ही पसंद होती है, तो देखो गाइस इन दोनों का क्वालिटी देखो, शानदार क्वालिटी का बच्चा निकला इस बार गाइस। मैं सोचा नहीं था इतना अच्छा क्वालिटी का बच्चा निकल लगाए गाइस। देखो गाइस दोनों ही चोटियाल में आया, देखो गाइस गुस्सा देखो गाइस, ये देखो एक ये चोटियाल आया रेड में और ये देखो एक जाग दुबाज टाइप का आया, देखो गाइस ये देखो जाग दुबाज, और इसका पार में थोड़ा मूझ है और इसका माथा भी चोटियाल है, देखो गाइस। तो ये दोनों शानदार क्वालिटी का बच्चा इस बार जंगली के पास निकला मेरा, ठीक है। तो इन दोनों का आज मैं घर ले जाऊंगा, उसके बाद घर पे जाके आप लोगों को अच्छे से शौक कराऊंगा और इसका पूरी जानकारी भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है, ये कौन सी कबूतर का बच्चा है मेरे घर पे, ठीक है। तो चलो इसको घर ले जाती है, तो इसको नीचे लेके जाती है और उसके बाद घर पे आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो गाइस इन दोनों को इस वजह से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका जो माँ बाप है इन दोनों ने फिर से घोंसला बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पर ये जो घोंसला बना रहे हैं यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, देखो गाइस। तो इन दोनों को घोंसला बनाने देते हैं, ये फिर से अंडा देगा, इसलिए और भी इसको जल्दी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस मैं आ गया लॉफ्ट के अंदर, ठीक है, और वो बच्चे को भी लेके आ गया, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर कोने पर चुपके बैठा है, देखो गाइस किस तरह से। तो इन दोनों आप डर रहे हैं, ठीक है गाइस, तो क्योंकि इसका जगह चेंज हो गया तो इसको डर लग रहा है, तो इसको कोने में छुप के बैठा है, देखो गाइस ये कबूतर का बच्चा। तो ये दो चार दिन थोड़ा डर के रहेगा, उसके बाद फिट हो जाएगा मेरा लॉफ्ट के, ठीक है, सेट हो जाएगा। तो देखो तो गाइस इन दोनों की साथी करने के लिए, ठीक है, मेरा लॉफ्ट के अंदर जो एक कलसरा का बच्चा है तो उसको लेके जाते हैं और उसको वहाँ पर छोड़ देते हैं उस बच्चे के साथ। देखो गाइस ये बच्चा है कलसरा का मेरा घर का, ठीक है, तो इनको इसके साथ छोड़ देते हैं, तो इनको देख के उन दोनों थोड़ा कंफर्ट फील करेगा, ठीक है गाइस, क्योंकि ये तो मेरा लॉफ्ट का बच्चा है तो इसको डर नहीं लग रहा है। देखो गाइस ये फिट ठीक ठाक है और वो दोनों बच्चा किस तरह से चुप के बैठा है, देखो गाइस। तो इसको इसके साथ ही रखेंगे तो ये थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे, ठीक है। और मेरा कबूतर देखो अभी सारे लॉफ्ट के अंदर बंद है, जितने भी कबूतर है देखो सारे कबूतर बंद है। तो कुछ कबूतर को उड़ाते हैं और मेरा कबूतर का उड़ान आप लोगों को दिखाते हैं, तो चलो कुछ कबूतर को उड़ा देते हैं गाइस। ये कुछ कबूतर को बाहर लेके आया, तो देखो उड़ा दिया कुछ कबूतर को, ये देखो ये उड़ रहा है चार, और इधर देखो ये उड़ा दिया तीन सात, और दो चार कबूतर ऊपर भी चला गया मुझे लग रहा है गाइस जल्दी जल्दी। तो देखो गाइस ये उड़ रहा है मेरा कबूतर, तो मेरा कबूतर का उड़ान भी देखो गाइस, ये उड़ रहा है कबूतर, ये देखो, और उसका ऊपर भी कबूतर उड़ रहा है, देखो गाइस यहाँ पर ये देखो, तो शानदार उड़ रहा है कबूतर, ठीक है। तो मेरा कबूतर का उड़ान का भी मजा लो कुछ देर तक, ठीक है, उड़ान देखते हुए अच्छा लगता है कबूतर का। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक है, आप लोगों का कबूतर भी ठीक ही हो गए, पेड़ वगैरह सारे ठीक है। तो गाइस आप लोगों को दिखाया जंगली कबूतर के पास से जो बच्चा निकल के ले आया, ठीक है गाइस। तो उसका कलर और उसका क्वालिटी कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है गाइस। और वो अभी लॉफ्ट के अंदर थोड़ा कम्फर्ट भी फील कर रहे हैं। तो गाइस बच्चे को लेके आया था और यहाँ पर रखा था, देखो गाइस वो तीनों बच्चे को एक साथ कर दिया था, तो वो तीनों बच्चे अब जाके कहाँ छुप गए, देखो गाइस यहाँ पर, देखो यहाँ पर जाके दो बच्चे यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एक बच्चा आप लोगों को दिख रहा है वो केस के अंदर चला गया गाइस। देखो ये देखो गाइस वो अपने केस के अंदर चला गया, ये केस है यहाँ पर, वो इस केस के अंदर चला गया, खुली थी। तो देखो गाइस अब बच्चा थोड़ा कंफर्ट फील करने लग गया है, ठीक है। तो गाइस इस कबूतर का जो जंगली कबूतर के पास से लेके आया था, तो मैं किस कबूतर का अंडा दिया था आप लोग देखो, ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये मादिन है, ठीक है, ये मादिन, और ये देखो ये जो चोटियाल नर है जैक चोटियाल, ठीक है गाइस, देखो ये टक्की वाला। तो इन दोनों कबूतर का अंडा मैंने दिया था, उसका ही बच्चा निकला, ठीक है, जंगली के पास। एक तो ये कलर आया, ये भी चोटियाल में आया, देखो गाइस उसके बाप की तरह, और ये भी कबूतर देखो वो पीछे वाला, ठीक है, वो भी चोटियाल में आया, देखो गाइस। तो दोनों कबूतर चोटियाल आ गया, ठीक है, और इसका कलर थोड़ा अलग आ गया, और इसका कलर तो उसका बाप की तरह आया लेकिन दुबाज टाइप का हो गया, ठीक है। तो इन दोनों कबूतर का ही बच्चा है इन दोनों, ठीक है। तो सारे भाई को दिल से शुक्रिया जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल को अच्छे से सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो जो नया है इस चैनल पे, तो इस भाई को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखना, और वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो देखो गाइस सारे कबूतर शानदार उड़ रहे, एक साथ ही ऊपर उड़ रहे, देखो गाइस आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, देखो कितना शानदार उड़ रहा है, देखो गाइस सारे कबूतर एक साथ ही उड़ रहे और बेहतरीन भी उड़ रहे गाइस, देखो उड़ान का मजा लो गाइस। तो गाइस वो कबूतर देखो ठीक ठाक ही उड़ रहा है, ठीक है, जितना सारे कबूतर ऊपर उड़ रहे थे
और जो बच्चा कबूतर है देखो ये आके बैठ गया है उसकी छत पर। ठीक है गाइस, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, देखो ये छत पर आके एक बच्चा बैठ गया है। गाइस छत पे बहुत ही ज्यादा धूप है, उसके बावजूद में कबूतर को उड़ाया, हालत खराब हो रही है, इतना ज्यादा गर्मी है। ठीक है गाइस, तो मेरा कबूतर का उड़ान आप लोग देखो उड़ान कैसा लग रहा है, एक बार बताना। ठीक है गाइस, तो गाइस दो चार कबूतर को छत पे छोड़ देते क्योंकि वो जो पट्टा कबूतर है ठीक है वो नीचे आ गया और वो दूसरी वाले छत पे भी बैठ सकते हैं गाइस। तो देखो दो कबूतर मैंने नीचे छोड़ दिया तो वो कबूतर आके बैठेगा, लाल पट्टा एक नीचे आ गया। तो देखो गाइस ये उड़ रहा है, ये देखो ये, तो एक गाइस ये बच्चा दूसरे की छत पे बैठ सकती है। ठीक है पट्टा कबूतर है तो इसलिए मैं दूसरा कबूतर छत पे छोड़ दिया, अब इस घर पे भी बैठ जाएगा। ठीक है तो देखो गाइस अब सारे कबूतर नीचे आ गया, तो देखो दो एक कबूतर पार्टी भी मार रहे और दो एक पट्टा कबूतर बैठ रहे। ठीक है गाइस, तो देखो देखो कुछ कबूतर आके नीचे आके बैठ रहे, तो शानदार उड़ा, गर्मी है ठीक ठाक ही उड़ा गाइस। एक कबूतर आके बैठा देखो, अब धीरे धीरे सारे कबूतर आके बैठ जाएगा। देखो गाइस ये देखो बैठ रहे कबूतर, तो ऊपर भी कुछ कबूतर बैठते हैं मेरा। तो देखो ये जाक पट्टा और एक बैठा और एक मद्रासी बैठा। देखो धीरे धीरे एक एक करके कबूतर बैठ रहे। तो उसके बाद देखो गाइस जो जंगली कबूतर का बच्चा था और जो मेरा घर का कल्सरा एक बच्चा है उसको तीनों को लेकर आया केज के अंदर। देखो गाइस ये बड़ा सा केज के अंदर लेकर आया और धूप में रखा है गाइस, देखो क्योंकि मेरा घर का जो बच्चा है और जंगली कबूतर के पास जो बच्चा है उसको धूप नहीं मिला। ठीक है तो इसलिए तीनों बच्चे को एक साथ धूप में रखूंगा 10 मिनट्स के लिए। ठीक है गाइस, तो बच्चे कबूतर को धूप देना जरूरी है। और ये देखो गाइस वो लाल पट्टा आके बैठ गया। ठीक है तो देखो इसका हालत खराब हो रहा है गर्मी में, और दो चार कबूतर अभी तक उड़ रहे हैं। देखो दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पर ये देखो गाइस, और दो चार कबूतर हाइट पे भी उड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर तीन कबूतर उड़ रहे हैं साइड पे, तो बहुत सारे कबूतर अभी तक उड़ रहे हैं और दो चार कबूतर आके बैठ गए। तो गाइस इनका धूप लेना कम्प्लीट हो गया। ठीक है तो इनको अब लॉफ्ट के अंदर लेके चलती है, ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है गाइस। तो चलो इसको लॉफ्ट के अंदर लेके जाते हैं और सारे कबूतर को भी, देखो जो कबूतर को उड़ाया था देखो यहाँ पर बैठा है सारे कबूतर। ठीक है तो वो दो एक कबूतर अभी तक उड़ रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है और इन सारे कबूतर को लॉफ्ट के अंदर करके चला जाती है, तो चलो इस बच्चे को लॉफ्ट के अंदर कर लेते हैं। तो गाइस अब सारे कबूतर को लॉफ्ट के अंदर कर लेती है, सारे कबूतर आके बैठ गया। ठीक है तो चलो अब लॉफ्ट के दरवाजे को खोल देते हैं। तो देखो गाइस ये जो कबूतर है लॉफ्ट के अंदर चला जाएगा। देखो गाइस ये जा रहा है लॉफ्ट के अंदर, देखो सारे कबूतर लॉफ्ट के अंदर चला गया। ठीक है देखो मेरा कबूतर का ट्रेनिंग देखो कितना जबरदस्त है गाइस, देखो सारे कबूतर लॉफ्ट के अंदर चला गया और जाके पानी पी रहा है क्योंकि मैं लॉफ्ट के अंदर पानी को दे के रखा है। तो देखो गाइस ये आके पानी पी रहा है। तो चलो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहना, बाय बाय।